नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे बेसिक ऑफ AWPL का सेशन 3 का। इससे पहले सेशन 1 और सेशन 2 बन चुके हैं जिसके काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले हैं, काफ़ी लोगों ने इसकी सराहना की है। इसके अलावा कमेंट्स सेक्शन में जाकर बहुत सारे लोग जो भी सवाल इस वीडियो में पूछे जा रहे हैं उसका सही जवाब भी दिए हैं, और बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे रहे हैं तो खैर कोई बात नहीं। आज हम सेशन 3 में अब कुछ नए क्वेश्चंस अराइज करेंगे और हम चाहेंगे कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। तो दोस्तों इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं सेशन 3 का पहला क्वेश्चन। AWPL के टोपाज डायरेक्ट सेलर का प्रमोशनल कमीशन कितना है? इसमें आपको मैचिंग का इनकम नहीं बताना है, इसमें सिर्फ जब टोपाज रैंक का प्रमोशन होता है तो टोपाज के बाद जब रूबी स्टार में जाते हैं तो टोपाज का प्रमोशनल कमीशन कितना है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। हमारा नेक्स्ट सवाल है AWPL के MD एंड CEO का क्या नाम है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस सेशन का नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। AWPL कंपनी में गाइनेडॉक रस स्पेशली किसके लिए बनाया गया है, मेल और फीमेल? इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। यदि मेल के लिए बनाया गया है तो मेल लिखना है, और फीमेल के लिए बनाया गया है तो फीमेल लिखना है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। AWPL में हील डॉग क्रीम जो कि हमारी एड़ियों को जो कटी फटी होती हैं उसको सही करने के काम में आता है, ये किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है? मतलब AWPL के पांचों कैटेगरी में से किस कैटेगरी के प्रोडक्ट में हील डॉग क्रीम आएगा, ये आपको कमेंट सेशन में बताना है। इस सेशन का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। AWPL में MRP और DP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको कमेंट सेशन में बताना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेशन 2 में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर के बारे में। तो सेशन 2 का उत्तर है, पहला क्वेश्चन जो है वो फूड कैटेगरी में आएगा, है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल कितने लेवल्स हैं, तो AWPL में टोटल 18 लेवल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि AWPL में जो हम ID लगाते हैं डायरेक्ट सेलर की, कितनी कैटेगरी होती है? तो दोस्तों इसमें डायरेक्ट सेलर की 3 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है एक्सिक्यूटिव डायरेक्ट सेलर की जो कि 27 सेल पॉइंट से ग्रीन कराने पे मिलती है। दूसरी कैटेगरी होती है सुपर डायरेक्ट सेलर की जो कि 52 सेल पॉइंट से ग्रीन कराने पे होती है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो 100 सेल पॉइंट पे होती है जिसको कि हम प्रीमियम डायरेक्ट सेलर कैटेगरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा इनिशियल रिपर्चेज होता है, कोई भी लेवल जब हम अचीव करते हैं तो उसका जो इनिशियल हमारा रिपर्चेज है फर्स्ट टाइम वो हमारा 5 SP का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आयुष मंत्रालय द्वारा इसको सर्टिफाइड किया गया है? तो जी हाँ दोस्तों, इसको आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट मिला है। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा ये जो सेशन स्टार्ट किया गया है बेसिक ऑफ AWPL के लिए, एक काम के साथ साथ समय समय पर ट्रेनिंग लेना भी ज़रूरी है। इसमें जो हम सवाल और जवाब आपको दे रहे हैं इसका मेन उद्देश्य यही है कि आप में धीरे धीरे AWPL के प्रति जागरूकता बढ़े। इसके अलावा आप इसे जानें और डीपली जानें, जब तक आप इस कंपनी के बारे में पूरी तरह से नहीं जानिएगा तब तक आप मार्केट में इसके बारे में सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाइएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर का जो आइडिया है ये एक्चुअली मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, इन सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में इसका आंसर दे सकता था, लेकिन वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता और आप काफ़ी बोर हो जाते और आप बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर देते और नहीं जान पाते। इसीलिए मैं इसको 5-5 क्वेश्चंस और आंसर की कैटेगरी में बांट दिया हूँ ताकि आपको डेली मैं 5 क्वेश्चंस इंटरटेन कर सकूँ और उसके हम आंसर दे सकें, और आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप कितने क्वेश्चंस को हल कर पा रहे हैं, आप AWPL के बारे में कितना जानते हैं, इसकी जानकारी आप खुद इन क्वेश्चंस के आंसर देख के बता सकते हैं। एंड लास्ट, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ला सकें ये छोटे छोटे वीडियो, AWPL से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, जो भी बेसिक जानकारी है उसको मैं आपके सामने ला सकूं। इसके अलावा बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में भी जानकारी मैं इस चैनल के जरिए देता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।